नमस्कार खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। उस दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि टीकमगढ़ से मयंक खरे नाम का शख्स घर से बाहर निकला और उसके बाद लौट कर नहीं आया। 14 दिनों बाद पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है और इस मामले में बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। नरसिंहगढ़ कॉलोनी टीकमगढ़ के मयंक खरे के अपहरण के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में इकबाल और पन्नू चतुर्वेदी सहित 11 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। प्रमुख आरोपी इशाक खान, इकबाल खान और पन्नालाल चतुर्वेदी को उनके सहयोग करने और साक्ष्य को छुपाने व नष्ट करने तथा षड्यंत्र में शामिल होने वाले प्रमुख आरोपी आबिद खान, फातिमा बेगम, रहमान खान, मजीद खान, शहीद खान, रहीम, कल्लू, वाहिद खान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक सतीश सक्सेना, पुलिस उप महानिरीक्षक अनिल महेश्वरी, एसपी टीकमगढ़ अनुराग सुजानिया, एडिशनल एसपी एमएल चौरसिया के मार्गदर्शन में एसडीओपी सुरेश सेजवाल, डीएसपी योगेंद्र सिंह, एफएसएल अधिकारी श्री यादव के निर्देशन में कई पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा लगातार 14 दिन की मेहनत के बाद ये सफलता मिली है। गौरतलब है कि 25 सितंबर को करीब शाम 5 बजे मयंक घर से बिना बताए चला गया था और उसके बाद फिर वापस नहीं लौटा। पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त बंदूक और कारतूस भी जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त कार और मयंक खरे की चप्पल व आरोपी इशाक खान की खून से लगी पेंट कार का सीट कवर और इसके अलावा अन्य सामान भी जब्त किया है। घटना 25 सितंबर को मयंक इशाक के साथ में खाना खाने गया था। इशाक के साथ किसी ढाबे में बैठ कर उन्होंने खाना खाया था। खाना खाने के बाद अपनी इशाक की कार से निकल गए थे। बाद में कारागांव के बाद में इशाक ने उसके 12 बोर्ड की लाइसेंस से माला सिखाया। घटना के पीछे अभी जो चाहिए पर जो बात आ रही है वो अगर खुला बताया जा रहा है। इंसान के घर की किसी महिला के साथ में मयंक के संबंध थे जिसके हिसाब से देख रहे थे और हिसाब उसको मना कर रहे थे लेकिन मयंक को सर कैसे ले गया, वो गाड़ी से कैसे ले गया? मयंक और हिसाब का आपस में दोस्त थे तो आराम से दूर उनका बीच में 25 तारीख की सुबह 10 बजे तय हो गया था कि शाम को चूँकि नवरात्रि आने वाले हैं फिर पार्टी नहीं हो पाएगी तो आज शाम को चलते थे पार्टी करते हैं। 10 बजे तय कर लिया था। मारने के बाद में शव को गरौली स्थित जो धसा नदी पर भेजे हो। सर आरोपी को कहाँ से पकड़ा गया? सर आरोपी को मध्य गाँव उससे पकड़ा गया है। आरोपी इशाक को पकड़ा है उसके 2 दिन बाद फिर आरोपी इशाक। सर जो मुख्य आरोपी है इशाक उसके संबंध किससे थे? मयंक के संबंध मुख्य आरोपी के परिवार में किससे के संबंध थे? अब वो महिलाओं के नाम लेना नहीं है। सर कितने आरोपी कितने बनाए गए? सर आरोपी इसमें 11 आरोपी बने जिन्होंने 2 प्रमुख आरोपियों के नाम अपो आरोपी जिन्होंने लाश को छुपाने में आरोपियों को भगाने में मदद की है और साक्ष्यों को नष्ट करने में मदद की है। भगाने में या संरक्षण देने में या उसके द्वारा साक्ष्य मिटाने में हमने सारे गिरफ्तार कर लिए। बात रही बॉडी की तो जितनी चिंता उन्हें उतनी ज़्यादा हमें भी है और हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसा कि मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग सब स्वयं जानते हैं कि पुलिस ने कितने तालाब जहाँ जहाँ साक्ष्य मिला जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी थी हमने हर जगह पूरे सार्थक प्रयास। अब बहुत लंबे उत्तर प्रदेश की पुलिस की मदद से भी जो लचुरा में भी गेट बंद करा के लाश खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।